आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है एग रोल। ये बिल्कुल सिंपल और बनाने में बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है, ये एक कप से थोड़ा सा कम है, और इतना ही मैंने मैदे का आटा लिया हुआ है। तो अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप सिर्फ मैदे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1.5 कप लें, नहीं तो फिर दोनों बराबर मात्रा में ले लें। और ये आधी छोटी चम्मच नमक, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और ये 3 चम्मच तेल, ये रिफाइंड तेल है, तो इससे थोड़ा पराठा हमारा खस्ता हो जाएगा। तो अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये आधी गिलास पानी, तो डो में थोड़ा थोड़ा करके पानी, इसका अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो हम डो तैयार कर लेते हैं इसको, और ये देखिए डो बन के तैयार हो चुका है, यानी आटा लग चुका है। तो अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई को मैंने पहले से गर्म कर दिया है, ये 2 चम्मच तेल, और ये स्लाइस में कटा हुआ 1 प्याज। तो हल्का सा 1 सेकेंड के लिए इसको ऐसे भून लेना है थोड़ा सा। और ये 1 स्लाइस कटा हुआ शिमला मिर्च स्लाइस में कटा हुआ, अब इसको भी अच्छा सा सॉफ्ट सब्जी तैयार कर लेते हैं। और ये आधी छोटी चम्मच नमक, तो नमक ध्यान से डालें क्योंकि मैंने आटे में भी नमक डाला हुआ है। और ये चिली फ्लेक्स, तो ये चिली फ्लेक्स घर का बना हुआ है, मैं हमेशा बना के इसी तरह रख लेती हूँ। तो अब इसको ढक के 2 सेकेंड के लिए सॉफ्ट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है अब, और आंच को धीमा ही रखें। तो अब ये सब्ज़ी बनके तैयार हो चुका है। तो इसमें आप सब्ज़ी कोई और भी मिलाना चाहते हैं तो और भी मिला सकते हैं, जैसे गाजर हुआ, पीली वाली शिमला मिर्च हुई, लाल वाला मिला सकते हैं इसमें। और ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद से दो अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। तो इसको एक बार इस तरह मसल लेते हैं और इसका बराबर में लोई बना लेते हैं। तो ये 4 से 5 लोई बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसका पराठा बना लेते हैं, यानी गोल रोटी। तो मेरा चकला थोड़ा छोटा है, तो मैं जितना बड़ा है मैं उतना ही बड़ा बना रही हूँ। अगर आपके पास आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा और बड़ा बना लें। और ये ध्यान रखें इसे थोड़ा पतला ही बेलना है। तो ये देखिए इतना पतला एकदम सही है। अब इसको सेक लेते हैं, तो मैंने तवा पहले से गर्म कर दिया है। तो ध्यान रहे कि आंच थोड़ा तेज ही रहे, धीमा आंच करेंगे तो पराठा टाइट कड़ा हो जाएगा। तो अब पलट लेते हैं, एक तरफ सिक गया है, अब इस पर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। आप बटर का इस्तेमाल करना चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, रिफाइंड तेल का। अब इसी तरह से दूसरे साइड में लगा लेते हैं। इसी तरह से मैंने सारे रोटियों को तैयार कर लिया है बना के। तो ये देखिए अब कितना अच्छा सॉफ्ट ये पराठा बन के तैयार हो चुका है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से अच्छे से सेक ले चारों तरफ दबा के। अब चलिए ये 2 मैंने अंडा लिया हुआ है, और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ थोड़ा सा नमक मिलाना है। अब इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। अब इसे हमें ऑमलेट बनाना है, तो मैंने पैन को पहले से गर्म कर दिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से डाल दें और आंच को धीमा ही रखें ताकि एक साइड से अच्छे से पक जाए। तो अब पराठा इसी वक्त ऐसे ही डाल दें ताकि पराठा अच्छे से चिपक जाए, यानी पीछे से पक चुका है। अब 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि ऊपर वाला भी साइड पक जाए और पराठा भी अच्छे से चिपक जाए इसमें। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो दूसरे साइड में भी अच्छे से 2 सेकेंड के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर पैन में, और ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है।
अब इसको फाइनल रोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच मेयोनीज डाला हुआ है। अब इसको चारों तरफ अच्छे से चम्मच की सहायता से फैला लेते हैं। टेस्ट मेयोनीज का डालने से बड़ा अच्छा आता है। और 1 चम्मच चिली टमाटो सॉस और 1/2 छोटी चम्मच चिली सॉस, रेड चिली सॉस। अब इसको भी अच्छे से चारों तरफ मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब ये सारे सब्जियों को डाल देते हैं, प्याज और शिमला मिर्च जो मैंने फ्राई किया हुआ था, और थोड़ा सा धनिया और 1 हरी मिर्च कटी हुई। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स मैंने डाला था, तो हरी मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और ये ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर हल्का सा, और ये काला नमक बहुत थोड़ा सा, तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। अब इसका अच्छे से रोल तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पराठा भी कितना सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है, और ये देखने में भी कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, और खाने में भी बहुत लाजवाब बना हुआ है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।